गाइस थोड़ा सा फिर से दोबारा यहाँ पे करंट का इशू होते हुए यहाँ पे करंट यहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे मुझे स्टॉप करना पड़ा अपना स्ट्रीम को। और यहाँ पे ड्रैगन का टीम था, यहाँ पे फाइटर का टीम नंबर एक के साथ, तो यहाँ पे भाई टीम नंबर एट और यहाँ पर टीम नंबर दिया गया है। एक बंदा विजार्ड नौकर पड़े बैठ गया, बच्चे गए हैं। देखते हैं क्या अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। नंबर एट के लिए यहाँ पे दो बंदे, एक बंदा नौकर पड़ा था, दूसरा बंदा भी नौकर, तीन बंदा यहाँ पे नौकर डेविड बच्चे गए हैं यहाँ पर थंडर बच की टीम की तरफ से। और यहाँ पे नॉकआउट किया टीम 16 का एक बंदे को और यहाँ पे फिनिशअप भी किया, दो बंदे अलाइव है टीम 16 की तरफ से। यहाँ पर टीम 19 का भी साइड पर देवी देखने के लिए, टीम 19 का बात करें यहाँ पे इसका यहाँ पे काली ओपी नॉकआउट पड़े हुए, बाकी के बंदे अभी अलाइव है। देखते हैं टीम 18 अभी क्या करना चाहेगी। और बहुत ही घमासान हो चुका है भाई यहाँ पे, टीम नंबर 16 भी पीछे से फायर करते हुए। और बहुत मुश्किल थोड़ा सा टाइम था टीम नंबर 19 के लिए, यहाँ पे काली नॉकआउट हो चुके थे फिलहाल, उसको यहाँ पे रिवाइवल दे दिया गया यहाँ पे। तब फर्स्ट ब्लड ने नॉक किया एक बंदे को यहाँ पे नेट के थ्रू, अब देखते हैं क्या। और यहाँ पे टीम नंबर 5 का यहाँ पे फाइट होते हुए द फर्स्ट ब्लड की टीम के टीम से, और यहाँ पे द फर्स्ट ब्लड नॉकआउट हो चुके हैं यहाँ पे नेट के थ्रू। और देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 18 का भी एक बंदा यहाँ नॉकआउट था। सो फिलहाल दो 2v2 का यहाँ पे फाइट है और यहाँ पे दोनों ही टीम को यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डेविल ने यहाँ पे रश कर दिया है टीम नंबर 5 पे और थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे टीम 5 अगर पीछे जाते हुए देखते हैं फॉल बैक करती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे डेविल टीपी लेते हुए सभी के सभी यहाँ पे आसपास मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे तब हल्डिया को नॉकआउट कर दिया गया है। अब देखते हैं ये दोनों बंदे यहाँ पे रश करना चाहेंगे कि नहीं। यहाँ पे ड्रैगन एसपी ने एक बंदे को यहाँ पे नॉकआउट किया है, यहाँ पे बेबी बॉट के एक बंदे को। सो देखते हैं यहाँ पे क्या बेबी बॉट की टीम यहाँ पे क्या करती है फिलहाल। और यहाँ बेबी बॉट के भी एक बंदे को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश अप कर दिया गया है। तब बस ब्लड भी प्ले जोन से नॉकआउट हुए दोबारा, और यहाँ पे भाई घमासान हो चुका है पूरा। टीम यकीन यहाँ पे देखते हैं क्या करती है, यहाँ पे टीम यकीन टीम 5 का जो लास्ट मेंबर था, सॉरी टीम 5 का जो फर्स्ट प्लट था उसको यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुका है उनका। और एक ही बंदा भी अलाइव है यहाँ पे, टीम नंबर 8 भी यहाँ पे फाइट लेते हुए, सॉरी टीम नंबर 10 यहाँ पे वन शॉट की टीम भी यहाँ पे फाइट लेते हुए, यहाँ पे पीपर पॉट्स यहाँ पे नॉकआउट पड़े, सबको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। और यहाँ पर किल भी यहाँ पे सिक्योर कर लिया जाएगा। सो लास्ट बंदा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गुंडा लाइव है टीम नंबर 11, यहाँ पे अच्छा खासा उन्होंने स्प्रे दिया और यहाँ पे फिनिशअप किया टीम नंबर 11 को। यहाँ पे पीपर पॉट्स अब नॉकआउट पड़े हुए हैं और उसको रिवाइवल देंगे। टीम नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने एक बंदा अपना खो दिया यहाँ पे भाई, रोहित को फटका दिया यहाँ पे M24 का। और भाई क्या ही बचे हैं अपने टीम्स, और आई थिंक उसको रिवाइवल मिल जाएगा अच्छा खासा, उनके पास कवर है। सो बात करें यहाँ पे टीम नंबर 19 की, तो टीम नंबर 19 का यहाँ पे दो बंदे काली और शेडो अलाइव है, और यहाँ पे का 19 के यहाँ पे शॉट लेते हुए टीम नंबर 18 के लिए। यहाँ पे भाई कप्तान नॉक होते हुए टीम नंबर 6 की तरफ से, देखते हैं यहाँ पे कप्तान नॉकआउट पड़े हुए, रोहित को यहाँ पे फिनिशअप कर दिया गया है। और आई थिंक मुझे लग रही है कि इसके आसपास टीम नंबर 19 मौजूद है, एक बंदा यहाँ पे काली यहाँ पे मौजूद है टीम नंबर 19 की तरफ से। और देखते हैं नेट करके अभी भी जस्ट यहाँ पे कप्तान को नॉकआउट किया था बट यहाँ पे किल नहीं कर पाए हैं, किल करने के लिए उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे रश करने का कोशिश तो कर रहे हैं और यहाँ पे स्प्रे दे रहे हैं कि हम कब नॉकआउट नहीं कर पाए। सो यहाँ पे जोन की बात करें तो भाई जोन की बात करें तो जोन के अंदर घुस चुके हैं यहाँ पे रेडेन, और अभी भी जस्ट यहाँ पे शेडो को नॉकआउट किया है यहाँ पे टीम रेडेन ने, और यहाँ पे फिनिशर भी कर दिया गया है। तो मुश्किल हो चुका है टीम 19 के लिए बेबी बॉस की टीम, और बहुत मुश्किल पे है। और यहाँ पे फायर दिया और यहाँ पे फिनिशअप किया यहाँ पे भी पॉट की पूरी की पूरी टीम को। सो देखते हैं यहाँ पे अब टीम नंबर 10 मौजूद है, यहाँ पे तीन ही टीम अब अलाइव है, टीम नंबर 10, टीम नंबर 18 और टीम नंबर 6, इन्हीं के बीच अब फाइनल बैटल हमें देखने को मिल जाएगी। टीम नंबर 8 ऑलरेडी यहाँ पे जोन पे पहुँच चुकी है, और
बाकी जो टीम नंबर 10 और 6 अभी भी बाहर हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 10 की बात करें तो तीन बंदे हैं उनके, तीन प्लेयर्स, और टीम नंबर 8 के दो प्लेयर्स हमारे हैं। टीम नंबर 6 की तरफ से यहाँ पे कप्तान और रेडेन, यहाँ पे उनके आईजीएल बंदे यहाँ पे उनको यहाँ पे उनका क्रेट बन चुका है। सो देखते हैं रेडेन को यहाँ पे नॉकआउट एंड फिनिश भी कर दिया गया। लास्ट अब दो ही टीम बची हुई है यहाँ पे, टीम 18 और टीम 10। अब इन्हीं के बीच ये फाइनल बैटल देखने को मिलने वाली है। तो 3v2 का मैच है और यहाँ पे टीम 6 को पूरा का पूरा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है इसकी टीम। यहाँ पे भाई एक बंदे को नॉकआउट कर दिया गया है। सो अब लास्ट टेबल बचे हुए अपनी टीम की तरफ से, अब क्या चाहेंगे कि टीम 10 यहाँ पे रश करने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे रश देखने को मिल गया, डेविल है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और टीम 18 की तरफ से भी डेविल अलाइव है। यहाँ पे रिवाइव भी दे चुका दे दिया गया राजू को। अब चाहेंगे कि किसी तरह अपना बॉडी को हिलअप करें, तो यहाँ पे हिलअप करने की ऑलमोस्ट यहाँ पे हिलअप हो चुके हैं और देखते हैं क्या अब टीम क्या करना चाहेगी। यहाँ पे स्प्रे दिया यहाँ पे था बट नॉक नहीं हुआ। यहाँ पे मोली भी कर दिया गया टीम 18 पर बट तो फिलहाल अभी बचे हुए हैं। सो टीपी पे लेते हुए राइट से राजू और लेफ्ट से डेविल, देखते हैं थ्री बी टू का यहाँ पर फाइट किया जा रहा है। और यहाँ पे स्प्रे मिला यहाँ पे M4 राइट की तरफ यहाँ पे स्मोक करते हुए लेफ्ट से फ्लैंक कर चुके हैं आशीष। देखते हैं कि आशीष सब क्या करने वाले। आशीष यहाँ पे लेफ्ट पूरा राइट पे पहुँच चुके हैं कि आप कर दिया है यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेबल ने। और लास्ट टेबल और भाई यहाँ पे राजू को नॉकआउट कर दिया, पेपर कोर्ट में नॉक किया राजू। निशब आज का मैच जीतने जीत चुकी है यहाँ पे टीम 10। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आज नई टीम जीतते हुए नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा शानदार गेम प्ले दिखाया वन शॉट की टीम ने। और आज डे 5 का मैच यहाँ पे पूरा यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर लेते हुए MPLT सीज़न 1 पे यहाँ पे वन शॉट की टीम और रनर अप होती हुई यहाँ पे आई थिंक टीम 18 जो कि थी आइडेंटिफायर की टीम। और पॉइंट टेबल पे आइडेंटिफायर की टीम भी टॉप 5 पे है। सो देखते हैं कौन सी टीम और ऊपर चढ़ती है या कौन सी टीम नीचे पहुंचती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैच कुछ ज़्यादा ही जल्दी फिनिश हुआ क्योंकि सभी जोन ऐसा ही बना कि सारे की सारे बंदे मतलब आसपास उनको रहने पर मजबूर होना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैचेस पे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।